हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खाना घर घर का। आज हम आपको ये मोटे मिर्च हैं, इनके हम पकौड़े बनाना बताएंगे, भरवा पकौड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 250 ग्राम हमने मिर्च लिए हैं, इनको हमने धुल लिया है। धुलने के बाद अब हम ये जो इसका ये ऊपर का हिस्सा है ये हम निकाल देंगे और ऐसे करके यहाँ से होल बनाएंगे, जिससे हम जो इसका भरावन तैयार करेंगे ना वो इसके अंदर से अच्छे से घुस जाए। तो इस तरह से हम इसके बीज भी निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसके यहाँ से इसका भरावन है वो हम यहाँ से डालेंगे, तो तभी हमारे अच्छे से पकौड़े जो हैं वो रेडी होंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, तो जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको भी हटा लीजिए। और ये देखिए इस तरह से हमको सभी मिर्चों को तैयार कर लेना है। सभी जो मिर्च हैं उनके दाने निकाल लिए हैं। अब देखिए ये जो है सीधे सीधे इनमें आपको भरने में मसाला आसानी होगी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो जब कोशिश करिएगा आप इस तरह के मिर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन हम भी इसमें आराम से इसमें घुसेंगे मसाला। अब ये देखिए जो ये दाने निकाले हैं, इसके बीज निकाले हैं, तो इसको फेंकिएगा नहीं, इसको कोई सूखी सब्जी आप बनाइएगा तो आप उसमें इसको डाल दीजिएगा। तो अब ये जो मिर्च है ये हमारे रेडी हो गए, अब इसके भरावन की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम 5 आलू लेंगे, उबली हुई आलू हैं, उबाल लिया है हमने, इसके बाद हमने छील लिया है, तो हमने 5 आलू ली हैं, आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ थोड़ी हम धनिया लिए हैं, इसको भी हम इसमें कट करके डालेंगे। धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें। आपको हम बहुत ही अच्छे मिर्च के भरवा पकौड़े बता रहे हैं, तो आप पूरी विधि को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से ये बना पाएंगे। और बहुत ही सरल विधि से और बहुत ही टेस्टी, फटाफट हम आपको रेडी करके बताएंगे। आलू के साथ हमने धनिया कट करके डाल दिए। अब ये थोड़ा सा नींबू है, नींबू को हम इसमें थोड़ा सा इसका जूस डालेंगे। धनिया और नींबू हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, इसमें हम भुना जीरा है वो डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमारे बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं, तो थोड़ा हम जीरा डाला भुना, थोड़ा स्वाद के हिसाब से इसमें हम नमक डालेंगे क्योंकि अभी इसमें हम बेसन का घोल भी बनाएंगे, तो इस चक्कर से हम थोड़ा सा इसमें नमक कम डाल रहे हैं। हल्की सी इसमें हम हल्दी डालेंगे और स्वाद के हिसाब से इसमें हम मिर्च है वो डाल देंगे। तो मिर्च आप जिस हिसाब से कम ज़्यादा तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से आप मिर्च डाल दीजिएगा। और थोड़ा ही हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला हम यहाँ थोड़ा सा ही इसमें गरम मसाला डालेंगे। और इसमें हम खटाई पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ हम थोड़ी खटाई पाउडर भी डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो आलू का भरावन है ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया। भरावन तैयार कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो मिर्च है हमारे इसमें अब ये हम धीरे धीरे करके मसाला पूरा यहाँ तक भरने की कोशिश करिएगा आप, तभी मज़ा आएगा आपको खाने में। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके कोई अच्छा सा इस तरह से दबा दबा के आप इसको भर लेंगे, तो ये अच्छा धीरे धीरे करिएगा, कोशिश करिएगा आपके मिर्च फटने ना पाए। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ले लेकर इसको हम ऐसे, या उंगली से भी आप थोड़ा भर लें ऐसे दबा दबा के, जितना आप कर सकते हैं भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उतना आप इसको भरिएगा। भरने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब बन के तैयार होते हैं तो खाने में भी बहुत ही स्वाद आ जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये भर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सभी मिर्चों को भर लेते हैं। ये देखिए सभी मिर्चों को हमने अच्छे से भर लिया है। अब यहाँ पर हम सरसों का तेल जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया, थोड़ा हमारा गर्म भी हो गया है तो गैस को स्लो करते हैं। और अब इसका हम जो घोल है बेसन का वो तैयार करते हैं। अब घोल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा बेसन लिया है, बेसन आप अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा आपको बनाने हो पकौड़े तो उतने आप ले लीजिएगा। यहाँ हमने अभी इतना लिया, घटेगा तो हम और डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी इसमें हल्दी डालते हैं,
तो हल्दी से क्या है ना, इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। और इसमें अब हम थोड़ा सा ही इसमें नमक डालेंगे, नमक थोड़ा करना है क्योंकि अभी जब हमने आलू भरी हैं तो उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। थोड़ा पानी इसलिए डालिएगा कि इसमें जो गुट्ठल हैं, लम्स हैं, वो नहीं पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से मिलाने से इसका जो घोल है वो गाढ़ा रखिएगा, तभी आपके जो पकौड़े हैं भरवा मिर्च के पकौड़े वो अच्छे से तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम गाढ़ा घोल इसका तैयार करते हैं। ये देखिए हमने जो है इतना गाढ़ा घोल अभी तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो गया है, इसमें डुबो कर डाल देते हैं। बस यही ध्यान रखना कि ये आलू का जो हिस्सा है, ये आलू का जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा इसमें बेसन में लिपटा होना चाहिए। तो आराम से इसको हम डालते हैं। बहुत अच्छे से इसको लपेट के डालेंगे तभी अच्छे से ये हमारे रेडी होंगे। तो गाढ़ा घोल रखेंगे आप बेसन का तो ये बहुत अच्छे से लिपट के तैयार होंगे। ये देखिए इसी तरह से हमारे बचे हुए हैं, इनको भी हम अच्छे से डाल डाल कर निकाल लेते हैं। बस इसमें यही है कि अगर बेसन आपका पतला रह जाएगा घोल इसका तो ये फट जाएंगे और आलू बाहर निकल आती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो इसका घोल है ये बहुत गाढ़ा होना चाहिए। जैसे ये है तो ऐसे लिपटा है, बस इसको आप इसमें डाल दीजिए, थोड़ा खा यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए इसी तरह से सब हम पकाते हैं। ये देखिए हमारे भरवा मिर्च के पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ हमने धनिया, लहसुन और हरे मिर्च की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ हमने सर्व किया है। तो आप बताइए आपको मिर्च भरवा पकौड़े कैसे लगे हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू।